हेलो दुरंद्रो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 2 सितंबर है और डेली करंट का तैल का प्रातः सुबह 6 बजे में कराता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसको लेकर के मेरी करंट अफेयर। ठीक है, हर रोज में 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूँ और हर क्वेश्चन को डीपली वाइज समझाता हूँ मेरे भाइयों। उनके सभी पॉइंटों को मैं करवाता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पढ़ करके अलग से भी सभी तरीके का मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाता हूँ हर क्वेश्चन को, जो कि करंट अफेयर होती है मेरे इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, जो भी बच्चा, जो भी भाई, मेरा बहन है, वो SSC से रिलेटेड है, किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है, NDA से रिलेटेड है, स्टेट PCS तक की जो भी तैयारी कर रहा है पेपर को लेकर के, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका, जो कि प्रातः सुबह 6 बजे में इसको प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताता हूँ। जैसा कि पिछले क्लासों में करवाता हूँ तो सितंबर चल चुका है, तो सितंबर की मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने NCERT दिवस बताया, तो उसकी पूरी जानकारी दी थी आपको, और आपको बताया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो कि 1 से 7 सितंबर, मतलब 7 दिन चलने वाला, 7 या 8 दिन चलने वाला यह सप्ताह होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को लेकर के, इसकी चर्चा मैं प्रॉपर तरीके से कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 सितंबर को कर दूंगा इसको। ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है क्या है, इसके लिए एक टॉपिक या एक क्लास बना कर लाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कब से स्टार्टिंग है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है UGC। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा? तो ई समाधान है, जे समाधान, यू समाधान, आपको सभी को पता होगी ई समाधान, या जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे किसी भी छात्र को या किसी भी शिक्षण को या किसी भी कॉलेज को, किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज होते हैं ना, उनको कोई भी शिकायत हो उनको लेकर के, उनकी शिकायतों को, उनके मामलों को, उनको हल करने के लिए इस समाधान का लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से? EUGC के द्वारा। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि UGC जो है, इसके द्वारा एक नया छात्र शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ई समाधान लॉन्च किया जाएगा। अगले सप्ताह इसको संचालन शुरू कर दिए जाएंगे। UGC ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए निहित समय सीमा भी तय करी है। ठीक है, UGC जो छात्र हैं उनकी कोई प्रॉब्लम है, उन्हें उन्हें कोई मामले, अपने मतलब कोई शिकायत, उनको हल करने के लिए 10 दिन के दिवस दिए जाएंगे, उनके लिए समय सीमा अपनी है। ठीक है, निर्धारित कर रखी है। शिक्षण और गैर शिक्षण को लिए 15 दिन हो जाएंगे। वहीं पर विश्वविद्यालय और कॉलेज से संबंधित कोई भी मामले होंगे उनके समाधान के लिए अधिकतम सीमा 20 दिन होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है UGC ने क्या लॉन्च किया है और किसको लेकर के किया है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने कन्वर्ट कर रखा है मेरे भाइयों को। आइए थोड़ा मैं बता देता हूँ UGC क्या है, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। यह 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, भारत में उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है मेरे भाइयों, M. जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो भी पूछ सकता था वो आपके सामने मैंने धर दिए। ठीक है मेरे भाइयों, इतना ही बहुत है, क्वेश्चन से रिलेटेड इतना जानकारी आपके लिए बहुत है, नोट कर लेना। PDF आप टेलीग्राम पर जाकर के अमित सर जी के सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो सीधा लिंक में। ठीक है, डाउनलोड कर लिया करो मेरी PDF को, करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर विषय अफेयर की चाहिए तो वो भी बता दिया करो, उनको मैं डाल दिया करूंगा। नुआखाई उत्सव 1 सितंबर को किस राज्य में मनाया जा रहा है? बहुत ही पर्व त्योहार है। ठीक है, आइए इनके बारे में बता दूं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात। तो आपको पता होगा सी सी इज द राइट आंसर हो जाता है, नुआखाई उत्सव। ये उड़ीसा में बनाया जाता है, दक्षिणी उड़ीसा और पश्चिमी उड़ीसा हो गया, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोग इस पर्व त्योहार को मनाया जाए, जिसका नाम है नुआखाई। यह कृषि को लेकर के है। ठीक है, जो वहाँ की कृषि होती है, वहाँ पर जो अब जैसे कि फसल कटने का समय आ रहा है, चावल की खेती होती है वहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे चावल की पेड़ पौधे दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, फल लग रहे हैं, मतलब चावल आ रहा है, तो उसके लेकर के ये पर्व त्योहार बनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई। आपको बता दें पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोग इस पर्व त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, और ये चावल चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं को। ठीक है, और अच्छी फसल के लिए आया हो तो, और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं
में विश्वास होता है। ठीक है, इस त्योहार के अंतर्गत भोजन ये अपने भोजन को ईश्वर मानते हैं। नुआखाई जुहार माध्यम से परिलक्षित ग्रामीण समुदाय के समुदायों को भावना में प्रतीक है। ठीक है, ये एक पारंपरिक नमस्ते है। ठीक है, कुल मिलाकर ये पर्व त्योहार है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। भारत ने किस दिन को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए 1 सितंबर को, 2, 8 या 4, तो अभी तारीख जो निकली है कल, वो 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर को सर्वाइकल कैंसर इसको प्रॉपर तरीके से स्वदेशी रूप में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बता दूं, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह पहला ने स्वदेशी, मतलब जितेंद्र सिंह ने पहला स्वदेशी टीका लॉन्च करा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी DBT सर्वाइकल कैंसर को खिलाफ भारत के पहला स्वदेशी विकसित कार्डवेलेट ह्यूमन पॉपुलर वायरस वैक्सीन, जिसको कहा जा रहा है QHPV, शॉर्टकट में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आपसे लॉन्च करने के लिए तैयार है, और सरकारी मतलब लॉन्च कर दिया गया है। और सरकारी विश्लेषण के अनुसार टीका HPV मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है को लेकर के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करके, ये वेरियंट है 6, 11, 16 और 18 स्ट्रेन के खिलाफ रोकथाम प्रदान कर देगी। ये इंग्लिश में नीचे मैंने लिख रहा है, आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, कब किया गया, प्रॉपर तरीके से मैंने सब चीज आपके सामने धर दी है। ठीक है, थोड़ा मैं बता दूं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ये गर्भवाही है, गर्भाशय में गर्भा के कैंसर होता है। इसमें क्या है कि ये गर्भाशय जो है सबसे निचले हिस्से में होता है कैंसर जो होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर के वैश्विक बोझ लगभग 5वां हिस्सा है। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर है दुनिया भर महिलाओं में होने वाला ये रोग है। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर है ह्यूमन मतलब कि जो HPV के कारण ही होता है, एक वायरस है। ठीक है, यह मुख्य रूप से यौन संपर्क के आने से माध्यम से होता है। जो ये आप थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर जो है एक गर्भाशय को लेकर के, तो आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा भावना में बहते हुए ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना ठीक है नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में वेब पोर्टल CAPFE आवास लॉन्च किया है? तो आपको दिख रहे होंगे अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के अंतर्गत। आइए थोड़ा मैं बता दूं ये क्या चीज है। 1 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ई आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, वेब पोर्टल के माध्यम से जो CAPFE है और असम राइफल के पात्र कर्मी, जो पात्र कर्मी थे आवासीय कार्डों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे, इसको लेकर के की शुरुआत की। और जो CAPFE है ई आवास पोर्टल कॉमन पुल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, जिसको ई संपदा की ऑनलाइन आवंटन प्रणाली की तर्ज पर विकसित किया गया है। ठीक है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत आते हैं असम राइफल आ जाती है, जैसे मैं इंग्लिश में बता दूं AR असम राइफल है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है, CISF और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है यहाँ से एग्जामिनर। ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, आर्मड फोर्स राइज्ड, ये सभी होम मिनिस्टर के अंदर आती है, आपको पता होगी। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्र इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CACP के पूर्व प्रमुख किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो अभिजीत सेन, स्वामीनाथन, राहुल यादव। तो इसका राइट आंसर होता है अभिजीत सेन जी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये कृषि अर्थशास्त्री थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत सेन ने 72 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इनकी निधन हो गया, आपको पता होगी। 2004 से 14 तक ये इंपोर्टेंट है, मनमोहन सिंह की मतलब कांग्रेस की सरकार की जब रही थी, ठीक है, तो योजना आयोग के सदस्य रहे थे। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है। इनको 2010 में पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, दीर्घकालीन अनाज नीति के विशेष रूप में उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं 2002 के अंदर, जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, योजना आयोग के सदस्य रहे नहीं रहे या नहीं रहे, या फिर पद्म विभूषण को कब मिला था, या कौन थे, ये अर्थशास्त्री थे या नहीं, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाइयों, पूर्व सोवियतीय नेता जिसको मतलब कि USSR के समय की बात है, किस व्यक्ति का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, आपको दिख रहे होंगे इनका निधन हो गया। तो इनका नाम है मिखाइल गोरबचित, जोसेफ स्टालिन, इवान सिलाइव या मिखाइल कलिनिन। तो इसका राइट आंसर होता है ए मिखाइल गोरबचित, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, इनकी मृत्यु हो गई है जब USSR हुआ करता था, मतलब 1991 के अंडर। ठीक है, उस समय के ये आखिरी नेता रहे हैं सोवियत संघ के। ठीक है, मिखाइल साहब जी, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करती हूँ। जो मिखाइल गोरबाचा है, ये 15 मार्च 1990 से 25 दिसंबर 1991 तक रूसी राष्ट्रपति रहे हैं, और वो भी सोवियत संघ के अंतिम नेता थे।
ठीक है, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु हथियार समझौते पर बातचीत की और 1990 में इसे नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी उठ सकता है। सोवियत संघ के लिए उन्होंने नई राजनीति आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत की। किन्होंने? मिखाइल साहब। ठीक है, सभी चीजें मैं आपको प्रस्तुत कर दी, प्रेजेंट कर दी, सभी पॉइंट जो भी निकल के आए इनके वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किसने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल भाइयों के लिए। तो नीति आयोग ने, वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग द्वारा हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया। आकांक्षी जिला क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगा, आपको दिख रहा हो हरिद्वार में मेले। ठीक है, तो नीति आयोग जो है पवित्र शहर हरिद्वार को 5 मानकों में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। बेहतर प्रदर्शन के लिए हरिद्वार अतिरिक्त 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इसके जो हरिद्वार जो कि बुनियादी ढांचे पर हरिद्वार शीर्ष पर है, वहीं पर स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ रहा है। ठीक है, इसको लेकर के इनको डोनेट किए हैं रुपए। ठीक है मेरे भाई, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या होता है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 से शुरू हुआ था। ठीक है, विकसित जिलों के लिए, विकास के लिए शुरू किया गया था। यह प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है और तत्काल सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है। ठीक है, नीति आयोग जो कि हर महीने जिले की रैंकिंग जारी करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किंग फाइव व्यापक सामाजिक आर्थिक विषय, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, ये सभी को लेकर के ये ढांचे तैयार करता है नीति आयोग। ठीक है, हर महीने जिलों की रैंकिंग तैयार करता है, मतलब प्रस्तुत करता है, जारी करता है रिपोर्ट को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आपको मैंने बता दी 2018 से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स जिसको कहा जाता है, सोरेक्स सॉरी, का आयोजन किया गया है। तो ये चेन्नई में, तेलंगाना, चंडीगढ़, गुजरात, तो ये चेन्नई में किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ये 10वीं राष्ट्रीय समुद्र खोज और बचाव अभ्यास सोरेक्स या सारेक्स का आयोजन 27 और 28 अगस्त को चेन्नई में किया गया था। हालांकि जितने भी अभ्यास हो रहे हैं उन सभी को, चाहे वज्र प्रहार हो, चाहे युद्ध अभ्यास हो, चाहे ये हो, इनको सभी प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर में आपको प्रॉपर तरीके से बताता आ रहा हूँ। अभ्यास के दौरान आईसीसी डोनियर विमानों ने जहाजों और विमानों से यात्रियों को बचाने के लिए तरीके प्रदर्शन किए, ये अभ्यास के दौरान हुए हैं। खोज और बचाव अभ्यास के इस संस्करण में नौवहन और मत्स्य पालन एजेंसी, हवाई अड्डे प्राधिकरण, नौसेना, वायुसेना ने भाग लिया खुलकर। ठीक है, अभ्यास के कुल 51 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, 16 मित्र देश थे, 24 प्रतिनिधि शामिल हुए। ठीक है, 2 दिवसीय अभ्यास राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये 2 दिवसीय अभ्यास था, इस संस्करण इसकी थीम थी समुद्री यात्री सुरक्षा की ओर क्षमता निर्माण करना। ठीक है मेरे भाई, सभी चीजें आपको बता दी मैंने प्रॉपर तरीके से, कहां पर कहां पर किया जा रहा था, कितने दिनों का था और कौन कौन से देश और कितने देश में भाग ले रहे थे। ठीक है मेरे भाई, समुद्र को लेकर था कुल मिलाकर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, इटली, आपको पता होगी इंडोनेशिया में है। आपको पता होगी कि दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में यह इंडिया से सीधा भारत के हाथ में आने वाली है। इसकी अध्यक्षता G20 देश जो 20 सबसे बड़े देश हैं उनको लेकर के उनकी अध्यक्षता 1 साल रहने वाली है अपने भारत पर। ठीक है, इंडोनेशिया ले लेगा। थोड़ा मैं बता दूं, 20 देशों के समूह के पर्यावरण अधिकारियों, जलवायु कार्रवाई, यूक्रेन के युद्ध की वैश्विक प्रभाव पर बातचीत के लिए इंडोनेशिया के बाले द्वीप में मुलाकात की और उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और विकासशील और विकसित देशों के बीच लक्ष्यों को शिखरानाजू करने के लिए G20 राष्ट्र के योगदान के कार्यान्वयन पर चर्चा की। इंपोर्टेंट है ये सभी चीजें, मुद्दे, ये सभी बातें, इनसे रिलेटेड संबंधित बातें सभी उठेंगी G20 जब ये समूह बैठेगा फिर दोबारा से। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण मतलब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, आपको बताना है किस किस दिन मनाया जाता है, कौन से डे को मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन दिवस। ठीक है, पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, ब्रिटेन के साथ। तो इसको लेकर के नेपाल के साथ MOU पास हुआ है, इसकी चर्चा कर लेता हूं मैं आपको। ठीक है, जो भारत ने हाल ही में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन की मंजूरी की। इस MOU में मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य
वन को, जैव विविधता संरक्षण को, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र को सहयोग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों को बहाली और ज्ञान सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की शामिल है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि एक दूसरे में वाद विवाद न हो और ठीक रूप से व्यापार होता चलता रहे और मजबूती आती रहे एक दूसरे देश में। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, हाँ एक मिनट, ठीक है। हाँ, हाल ही में एनएसओ डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही, अप्रैल से जो जून थी, भारत की जीडीपी विकास दर कितनी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, जो भी बच्चा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई पीसीएस का पेपर देने जा रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 13.5%, 15%, 11%, 10%, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, 13.5% इसकी जीडीपी रही है विकास दर की। आइए थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको कहा जाता है कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एनएसओ द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के एक साल में सबसे तेजी से गति से बढ़ी है। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही जो कि अप्रैल मई जून 3 महीने, जीडीपी में 13.5% की वृद्धि हुई। आरबीआई ने 16.2% आर्थिक विकास का अनुमान से कम है, मतलब कि उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि 16.2% की रहेगी, पर लेकिन इसकी जो जीडीपी थी वो 13.5% थी। ठीक है मेरे भाइयों, और इंग्लिश में बच्चों के लिए मैं दे ही देता हूँ। ठीक है, और आज की क्लास, आज की सेशन मेरा यहीं पर खत्म होती है, करंट अफेयर का तहलका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है अपने भाइयों के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी स्लाइड में किसी भी क्वेश्चन में कोई शिकायत आए तो इन कमेंट मुझे करके बता सकते हो कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है या ये फिर आपने थोड़ा सा गलत बता दिया कुछ भी करके। ठीक है, आप इन कमेंट में मुझे पूछ सकते हो या टेलीग्राम से, फेसबुक से जुड़ सकते हो मेरे से। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे किसी प्रकार से जीके से रिलेटेड। ठीक है, जीके से रिलेटेड मैं विषय अफेयर करवाता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपके पेपरों के लिए भी, आपकी नॉलेज के लिए, नेशनल इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, उनको लेकर के आपको जागरूक होना चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि पूरे विषय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।